किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कृषि बजट में बढ़ोतरी से हुई। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस कृषि बजट में बढ़ोतरी का परिणाम भी दिखने लगा है। खाद्यान्न उत्पादन की ही बात करें तो साल 2013-14 में जहां ये 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन हो गया है। वहीं बागवानी फसलों की बात करें तो जहां साल 2013-14 में ये 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में बढ़कर ये 341.63 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा आप सभी किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की गई है, जिससे आपको बहुत मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बात है हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ। इसके तहत अब तक 11.35 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,21,834 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। साल 2020-21 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ।